ओके स्टूडेंट, तो इस वीडियो के अंदर हम लोग पढ़ेंगे कि कैंसर के या जो ब्लड कैंसर है इसके कॉजेज क्या होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग ब्लड कैंसर की बात कर रहे हैं, तो हम कॉजेज पढ़ेंगे ब्लड कैंसर की। तो यहाँ पर लिकीमिया अकर व्हेन द सम ब्लड सेल्स एक्वायर म्यूटेशन इन देयर डीएनए। ठीक है, कब होता है ल्यूकेमिया? के जब कुछ ब्लड सेल म्यूटेशन हासिल कर लेते हैं। म्यूटेशन का मतलब क्या होता है? म्यूटेशन का मतलब होता है कि डीएनए के अंदर चेंज आना। देखो, डीएनए का एक सीक्वेंस होता है ना, हमें पता है कि डीएनए के अंदर न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं और न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस होते हैं। अगर ये जो सीक्वेंस है, अगर ये तरतीब जो है ना, ये भी ख़राब हो जाए या ये डिस्टर्ब हो जाए, उस कंडीशन को हम कहते हैं म्यूटेशन। ठीक है, तो आपने ये बात याद रखनी है कि जो लिकेमिया है या हमारे पास ब्लड कैंसर है, उसकी मेन कॉज ये है कि ब्लड सेल के अंदर क्या आ जाती है? म्यूटेशन, मतलब डीएनए के अंदर क्या आ जाती है? चेंज आ जाती है। ठीक है, ड्यू टू द म्यूटेशन द सेल ग्रो, ठीक है, एंड डिवाइड रैपिडली। म्यूटेशन की वजह से सेल रैपिडली ग्रो करते हैं और डिवाइड भी रैपिडली होते हैं। ठीक है, तो होता क्या है? एंड दिस एबनॉर्मल ब्लड सेल्स लिविंग कंटिन्यूसली व्हेन नॉर्मल ब्लड सेल डाई या द नॉर्मल ब्लड सेल वुड डाई। मतलब ये जो हमारे पास सेल है, ये कंटिन्यूसली ग्रो कर रहे होते हैं और ये मतलब कंटिन्यूसली लिविंग, मतलब ये जिंदा रहते हैं। हमें पता है कि जो वाइट ब्लड सेल है वो 10 से 15 दिन में इनकी डेथ हो जाती है, फिर पुराने सेल ख़त्म हो जाते हैं, फिर नए सेल बन रहे होते हैं। लेकिन इस कंडीशन में क्या होता है कि जो पुराने सेल है वो कंटिन्यूसली ग्रो कर रहे होते हैं और वो जिंदा रहते हैं, मतलब उनकी डेथ नहीं होती है। तो इस वजह से वाइट ब्लड सेल की तादाद क्या हो जाती है? बढ़ जाती है, और इसके साथ साथ ये रेड ब्लड सेल को और प्लेटलेट्स को भी किल कर रहे होते हैं, तो इनकी तादाद क्या हो जाती है? कम हो जाती है, मतलब रेड ब्लड सेल को और प्लेटलेट्स की तादाद कम हो जाती है। ठीक है, तो मेन कॉज क्या है हमारे पास? म्यूटेशन है। इसके अलावा आपने ये भी याद रखनी है बात कि जेनेटिक डिसऑर्डर, मतलब ये फैमिली हिस्ट्री की वजह से भी बीमारी हो सकती है। मतलब अगर हिस्ट्री में ये बीमारी किसी को होती है, मतलब फादर को होती है या मदर को होती है या ग्रैंड फादर को होती है, तो ये आगे नस्ल में भी बीमारी अपेयर हो सकती है। ठीक है, तो इसके एक वजह ये भी है कि जेनेटिक डिसऑर्डर है। इसके अलावा एक्सपोजर टू सर्टेन केमिकल्स, कुछ केमिकल्स होते हैं उनको हम कहते हैं कार्सिनोजेन्स, ठीक है, या कार्सिनोजेनिक केमिकल्स, उन केमिकल्स से कैंसर कॉज होता है। जिनमें हमारे पास बहुत सारे एग्जांपल हैं, लेकिन यहाँ पर मैंने कुछ एग्जांपल मेंशन किए, जैसे बेंजीन है, मरकरी है, ठीक है, पेस्टिसाइड्स है, मर्क्यूरी जिसको उर्दू में पारा कहते हैं, जो थर्मामीटर के अंदर हम यूज़ करते हैं। ठीक है, बेंजीन एक ब्लू कलर का लिक्विड होता है, लैब के अंदर अगर हम परफॉर्म करते हैं तो हम मास्क वगैरह लगाते हैं। अगर हम डायरेक्ट बेंजीन को इनहेल करेंगे और हमारी बॉडी में डायरेक्ट बेंजीन इंटर होगा तो मे बी के हमें ब्लड कैंसर हो। ठीक है, और पेस्टिसाइड वो केमिकल होता है जिनको इस्तेमाल किया जाता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंसेक्ट्स और पेस्ट को रोकने के लिए, जैसे कि हमारे जो क्रॉप्स वगैरह हैं उन पर जो है ना कुछ ऐसे इंसेक्ट्स होते हैं और मतलब ऑर्गेनिज्म होते हैं जो फसलों पे अटैक करते हैं, तो उनके लिए हम एक केमिकल इस्तेमाल करते हैं और पेस्ट को या इंसेक्ट्स को रोकने के लिए उन केमिकल्स को हम कहते हैं पेस्टिसाइड। ठीक है, तो हमारे पास ये एक वजह ये भी हो सकती है कि अब इस तरह केमिकल हमारी बॉडी में जाते हैं, जैसे कि पॉलीथीन बैग्स हैं, जैसे हम लोग प्लास्टिक की तेलियाँ इस्तेमाल करते हैं ना, दूध लेकर आते हैं उसके अंदर या कुछ और इस तरह चाय वगैरह लेकर आते हैं, तो वो भी हमारे पास ऐसे केमिकल है जो कैंसर कॉज कर सकते हैं। ठीक, उसके बाद हमारे पास है स्मोकिंग है। स्मोकिंग के अंदर टोबैको होता है। टोबैको अगर कोई बंदा किसी भी फॉर्म में ले रहा है, चाहे वो स्मोकिंग की हालत में ले रहा है या किसी और फॉर्म में ले रहा है, तो उसकी वजह से भी कैंसर कॉज हो सकता है। ठीक है, स्मोकिंग है। अल्कोहल अगर कोई ड्रिंक कर रहा है तो अल्कोहल से भी ब्लड कैंसर हो सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास ये जो है ना मेन कॉजेज है, आपको मैंने बता दिया कि जो लिकेमिया का ब्लड कैंसर का जो मेन कॉज होता है वो होता है म्यूटेशन, और म्यूटेशन हमारे पास होता है जब डीएनए के अंदर कोई चेंज आ जाए, डीएनए की सीक्वेंस ख़राब हो जाए, उसको हम कहते हैं म्यूटेशन। ठीक है, और म्यूटेशन किन किन चीज़ों की वजह से हो सकती हैं, वो हमारे पास चीज़ें क्या है? केमिकल्स हैं या जेनेटिक डिसऑर्डर भी होता है ये, या स्मोकिंग अल्कोहल की वजह से भी म्यूटेशन हो सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द कॉजेज ऑफ लिकेमिया या ब्लड कैंसर। इसके अगले पार्ट के अंदर हम लोग पढ़ेंगे प्रिकॉशन और कंट्रोल। ओके स्टूडेंट, तो इस वीडियो के अंदर हम लोग पढ़ेंगे प्रिकॉशन और कंट्रोल, कि मतलब हम ब्लड कैंसर को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं या इससे हम अपने आप को कैसे बचा सकते हैं। मैं ये तो नहीं कहूँ कि मतलब ये जो एक्टिविटीज़ है हम करेंगे तो हम ब्लड कैंसर से बच सकते हैं, लेकिन हम ब्लड कैंसर या कोई भी कैंसर के चांसेस रिड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास जो तरीका है जिससे हम बच सकते हैं, मतलब अपने आप को प्रोटेक्ट रख सकते हैं कैंसर से, तो हमारे पास है अवॉइड एक्सपोजर टू द रेडिएशन। मतलब जो रेडिएशन होती हैं, शुआएँ होती हैं, उनसे हमें अपने आप को अवॉइड करना चाहिए। मतलब जैसे कि हमारे पास
यूवी रेस मतलब अल्ट्रा वायलेट रेस है, एक्स रेस है, ठीक है, गामा रेस है, तो इनसे हमें बचना चाहिए। ये हमारी बॉडी से आर पार होती है, हमारी बॉडी के अंदर पेनिट्रेट होती है और हमारे डीएनए को ये क्या करती है, डैमेज करती है, ठीक है। जैसे ज़्यादातर लोगों को आप देखिए, जैसे क्रिकेटर वगैरह होते हैं अपने स्किन के ऊपर सन ब्लॉक लगाते हैं, वो इसलिए लगाते हैं ताकि उनके स्किन के अंदर जो है ना यूवी रेस या एक्स रेस वगैरह जो है ना ये पेनिट्रेट ना कर जाए। स्पेशली जो यूवी रेस है ना ये सनलाइट के अंदर होती है, तो इस वजह से वो क्या लगाते हैं, सन ब्लॉक लगाते हैं, ठीक है। तो हमें इन रेसेस से क्या करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए, इनसे बचना चाहिए। सेकंड हमारे पास है अवॉइड एक्सपोजर टू सर्टेन केमिकल्स, ठीक है, कार्सिनोजिन केमिकल। कार्सिनोजिन वो केमिकल्स होते हैं जो कैंसर कॉज करने वाले केमिकल होते हैं, ठीक है। जैसे हमारे पास बेंजीन है, पेस्टिसाइड्स है, आर्सेनिक है, ठीक है, इस तरह बहुत सारे केमिकल्स है जो कैंसर कॉज करते हैं, तो ऐसे केमिकल्स से हमें अपने आप को प्रोटेक्ट रखना चाहिए, मतलब ऐसे केमिकल्स को अवॉइड करना चाहिए। मतलब अगर ऐसे केमिकल को हम लैब के अंदर यूज़ भी करते हैं तो कंप्लीट प्रोटेक्शन के साथ हमें यूज़ करना चाहिए, मतलब हमें मास्क लगाना चाहिए, ठीक है, जो भी एहतियाती तदाबीर होती है वो हमें करनी चाहिए, ठीक है। तो सेकेंड हमारे पास क्या है कि जो केमिकल्स हैं जो कैंसर कॉज करते हैं उनसे हमें बचना चाहिए, उनको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। थर्ड हमारे पास है स्मोकिंग और टोबैको इन एनी फॉर्म। अगर कोई स्मोकिंग कर रहा है या टोबैको ले रहा है किसी भी फॉर्म में, ठीक है, तो उनको मे बी कैंसर हो, ठीक है, तो हमें स्मोकिंग अवॉइड करना चाहिए और टोबैको हमें नहीं लेना चाहिए किसी भी फॉर्म में, तो ये भी आपने जहन में बात याद रखनी है। उसके बाद हमारे पास है स्टे एक्टिव। इसका मतलब ये है कि हमें एक्टिव रहना चाहिए, हमें एक्सरसाइज करनी चाहिए, हमें अपनी बॉडी को लेजी नहीं बनाना है, ठीक है। अगर मतलब बैठे बैठे पूरा दिन हम बैठे रहते हैं, कोई काम नहीं करते हैं, हमारी बॉडी यूटिलाइज नहीं होगी, तो मे बी कि हमारी बॉडी में कैंसर सेल्स प्रोड्यूस होंगे, ठीक है। और जो लोग ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, उनको कैंसर के चांसेस कम होते हैं, ठीक है। लास्ट हमारे पास है ईटिंग हेल्दी डाइट, ठीक है, जैसे हमारे पास फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, इनके अंदर कुछ ऐसे एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो हमारी बॉडी में फ्री रेडिकल्स को ख़त्म कर रहे होते हैं, तो हमें नेचुरल चीज़ों पर फोकस करना चाहिए, जैसे हमारे पास फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, मिल्क वगैरह है, ठीक है। तो अगर ये सारी चीज़ें हम करते हैं, मतलब हम अपने आप को रेस्ट से बचाते हैं, ठीक है, जो रेडिएशन वगैरह है, केमिकल्स से बचाते हैं, ठीक है, और ये पेस्टिसाइड्स वगैरह जब केमिकल्स हैं इनसे अगर अवॉइड करते हैं हम, या स्मोकिंग से अवॉइड करते हैं, हाँ इसके अलावा अल्कोहल, कुछ लोग अल्कोहल ड्रिंक इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो उससे भी अवॉइड करना चाहिए, उसकी वजह से भी कैंसर हो सकता है। तो ये सारी एक्टिविटीज़ अगर हम करते हैं तो हम कैंसर के चांसेस को रिड्यूस कर सकते हैं, मतलब अपनी बॉडी को कैंसर से कम्प्लीटली, तो मैं ये नहीं कहूँगा कि हम लोग अगर ये सब करेंगे तो हम बिल्कुल कैंसर से अपने आप को प्रोटेक्ट कर लेंगे, लेकिन ये है कि हमारी बॉडी में कैंसर के चांसेस क्या हो जाते हैं, रिड्यूस हो जाते हैं। तो ये हमारे पास आज का लेक्चर था निकेमिया या ब्लड कैंसर के बारे में। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग कोई और डिजीज़ डिस्कस करेंगे ब्लड से रिलेटेड।